Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Indradev ne ye kya kar diya? क्या हुआ गणेश? भैया, देवराज इंद्र से ऐसी मूर्खता की अपेक्षा नहीं की थी मैंने। शुंभ के महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया है देवराज इंद्र ने भैया। निमंत्रण स्वीकार कर ले? वो भी असुरों का? क्यों? और किसकी अनुमति से? बिना मुझसे विमर्श किए, बिना मेरी अनुमति के आपने ये निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया देवराज इंद्र? देवगुरु, इसमें विचार विमर्श करने और अनुमति की क्या आवश्यकता है? जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया। नवीन असुर महानायक शुंभ ने देवता और असुरों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए अपने दूत भेजे, जो कि मेरे विचार से बहुत ही सकारात्मक और महान प्रयास है। इसलिए मैंने उनके दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज, अभी कुछ ही क्षण पहले हम शुंभ, निशुंभ और उनके सेनापति की शक्ति का सामना करने के उपाय ढूंढने हेतु विमर्श कर रहे थे। प्रथम पूज्य गणेश जी ने भी आपको स्वयं बुलाकर सचेत किया था कि आप असुरों के प्रति सतर्क रहें। देवराज इंद्र को इतना समझाने के पश्चात भी वो असुरों के छल में फंसते जा रहे हैं भैया। इंद्रदेव को परिस्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। आमंत्रण नहीं अपितु शुंभ के दूतों द्वारा दी गई चेतावनी थी। हाँ देवराज, मिश्री के घोल में लिपटी चेतावनी थी आपके लिए। स्मरण कीजिए क्या कहा था उस त्रिदूत ने, मित्रता या युद्ध, दोनों में से एक का चुनाव करो, ये संदेश दिया था असुरों ने। देव गुरु, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आपके विचारों और सुझावों का आदर भी करता हूँ, किंतु इस समय मैं आपके क्रोध का कारण समझने में असमर्थ हूँ। जो देवताओं के हित में मुझे उचित लगा वही मैंने किया, और देवराज होते हुए यही मेरा दायित्व भी है। युद्ध टालना तो बुद्धिमानी है देवगुरु, और जब उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव भेजा है तो हम युद्ध छेड़कर संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न करें? मित्रता, और वो भी असुरों से? क्या देवराज को ये भी ज्ञात है कि असुर, जिनका स्वभाव ही छल और कपट है, वो कभी किसके मित्र हो ही नहीं सकते? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने। राजा को सुननी सभी की चाहिए, किंतु निर्णय वही लेना चाहिए जो उसे उचित लगे। नवीन असुर महानायक शुंभ के दूतों को दिए वचन को हम अवश्य निभाएंगे। इस महोत्सव में भाग लेने हम अवश्य जाएंगे। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, यदि यही आपका निर्णय है तो आप जाइए, मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देवगुरु कि देवताओं और असुरों के मध्य प्रारंभ होने वाले इस मित्रता के नवीन अध्याय के पूर्व ही आप पीछे हट रहे हैं, किंतु मेरा निर्णय अटल है। अब हमें उत्सव में जाने की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए, और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। यदि वो कोई ना समझी करने पर आतुर ही हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ कि मार्ग में आगे गड्ढा है मत जाओ, फिर भी वो नहीं रुकते, और उन्हें समझ में तभी आता है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं।
और उन्हें अपनी भूल का आभास तभी होता है जब वो उसके बाद उस भूल के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र को अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। मैं स्वर्ण लता हूँ। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज, आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। और मैं रजत लता। मैं तरंगिनी हूँ और मैं कोमलांगी हूँ। इंद्रदेव, वो देखिए वहां असुर राज शुंभ का राजभवन। प्रतीत होता है असुर महानायक को हमारे आने की सूचना है, तभी उन्होंने हमारे लिए ये विशेष मार्ग सूचित किया। हमें इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देवगण। रानी स्वर्णलता, देवताओं का आगमन शीघ्र ही होने वाला है, आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। असुर महानायक को हमारा संदेश दे दो कि हम तैयार हैं, हम उन्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आ तो रहे हो यहाँ, किंतु यहाँ से लौटना कठिन होगा तुम्हारे लिए। जो इतने भव्य और सुंदर स्वागत की व्यवस्था करे, वो वास्तविकता में हमसे मित्रता ही चाहता होगा। सर्वथा उचित किया आपने ये निमंत्रण स्वीकार कर। देवराज इंद्र, यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहां आकर कोई भूल तो नहीं करती। ये क्या, एक तन पर दो शीश? हा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 ह
ये कैसा विचित्र दृश्य? भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहां है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। देवराज, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करने का और यहां आने का अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। आना तो था ही, आपका आमंत्रण भला हम अस्वीकार भी कैसे कर पाते। उत्तम निर्णय तो लिया, किंतु हमारे लिए देवराज, जिस सम्मोहन में हो तुम, जब तक उसका सत्य ज्ञात होगा तुम्हें, बहुत विलंब हो चुका होगा देवराज इंद्र। हम देवता और असुर मिलकर एक नवीन अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत हुई शत्रुता, अब हम मित्र बनेंगे। अवश्य असुर महानायक, अवश्य। और वैसे भी हम देवता और असुर एक ही पिता के संतान तो है, हम भ्राता है और भ्राता समान ही रहेंगे। आप उचित कह रहे हैं असुर महान है, हम बिल्कुल भ्राताओं की तरह ही रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा भ्राता भ्राता, देवता और असुर, भ्राता भ्राता, देवता और असुर, भ्राता भ्राता, देवता और असुर, भ्राता भ्राता, देवता असुर, भ्राता भ्राता, देवता असुर, भ्राता भ्राता, देवता असुर, भ्राता भ्राता, देवता असुर। मैं असुर महानायक शुंभ देवराज इंद्र से एक नवीन मित्रता का आरंभ करता हूं। देवराज इंद्र को आपकी मित्रता स्वीकार है। हमारी चाल तो सफल हो रही है भ्राता, ये मुल्क देवता तो बड़ी सरलता से हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। सत्य है, स्वर्ग लोक पर अधिकार के योग्य हम असुरी हैं। आइए, कहो गणेश, अब क्या देखा तुमने? भैया, इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ शुंभ के महोत्सव में पहुंच चुके हैं। शुंभ इंद्रदेव को अपने वक्ष से लगाकर उनसे देवता असुर भ्राता भ्राता के नारे लगवा रहा है। ये नारे लगाने के पूर्व देवता ये कैसे भूल रहे हैं कि जैसे पूरब और पश्चिम दिशाओं का मेल असंभव है, वैसे ही असुर और देवता कभी भी भ्राताओं के समान साथ नहीं आ सकते।
इंद्रदेव, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से आपका परिचय कराता हूं। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्त बीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराज इंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता, मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराज इंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय अति विशेष अतिथि हैं। अचित, मैं विशेष अतिथि हूं इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें, आइए। आज का यह उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। कदाचित अब वो सुंदरी भी यहां अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए ललायत है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मूर्ख देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया है वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्ता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव, हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुंभ, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए, मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। हाँ, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ। ऐसा
तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों पर नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। किसी का निमंत्रण या आतिथ्य स्वीकार करने के पूर्व हमें भली भांति उद्देश्य को अवश्य परखना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।